किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को विनोद का नमस्कार। कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत आज सुनिए राहुल संकट्यायन का लेख रूस में ढाई मास। मैं कुल 4.5 मास स्वदेश से बाहर रहा। 1.5 मास रूस जाते समय ईरान में, 2 सप्ताह आते समय अफगानिस्तान में, 2.5 मास सोवियत रूस में, गया था दर्रा बोलन से, आया खैबर के दर्रे से। हिंदुस्तान रूस की सीमा के भीतर तो रेलवे ट्रेन मिली। ईरान और अफगानिस्तान की सैर मोटर द्वारा हुई, कैस्पियन समुद्र जहाज से। 12 नवंबर को सोवियत सीमा में प्रवेश किया, 26 जनवरी को वहां से प्रस्थान। इस प्रकार रूस के जाड़े के अनुभव का मौका मिला। सिवाय काकेकश और मध्य एशिया के कुछ भाग के, सभी जगह की भूमि बर्फ से आच्छादित थी। खेत आदि की जुताई सिर्फ उन्हीं भूभागों में देखी। सोवियत रूस के बारे में भ्रम तो अभी बहुत समय तक फैलता रहेगा। सारी दुनिया के अखबारों के गला फाड़ फाड़ कर असफलता की पुकार करने पर भी संसार में साम्यवाद का प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यदि पूंजीवादी जगत सोवियत देश में साम्यवाद की सफलता का प्रचार करने लगे तो फिर उसकी क्या गति होगी। सोवियत सीमा से दूर के देशों की बात छोड़ दीजिए, वक्षु यानी कि आमू नदी सोवियत और अफगानिस्तान की सीमा है। मैंने अफगानिस्तान के भीतर के लोगों को बड़ी गंभीरता से कहते सुना, रूसी किसानों के भीतर रोटी का अकाल है। उनको ये भी नहीं मालूम कि 20वीं शताब्दी में रूस में सबसे अच्छी फसल 1913 में हुई थी। रूस में 1937 में गेहूं की फसल 1913 से ठीक दुगुनी हुई। 1930-31 में धनी किसानों की स्वार्थपरता और प्रचार के कारण खेत कम बोए गए थे, मवेशी मार डाले गए थे, इसलिए रोटी का अकाल सा पड़ गया था। उस वक्त कुछ कुलक यानी धनी किसान सोवियत सीमा से भागकर अफगानिस्तान में चले गए थे। 1930-31 की आर्थिक अवस्था से अब जमीन आसमान का अंतर है, तो भी इस पार के अफगानों के लिए अभी तक सोवियत राष्ट्र के लिए रोटी का अकाल चला ही जा रहा है। लोगों की आर्थिक अवस्था, शिक्षा और संस्कृति का धरातल हर साल क्या हर महीने ऊंचा होता जा रहा है। हर साल 5, 10 और 15% तक वेतन बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी ओर जैसे जैसे चीजों की उपज, फैक्ट्रियों की वृद्धि और कार्यकर्ताओं की कार्य कुशलता के अनुसार बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे चीजों का दाम घटाया जा रहा है। वेतन देना और चीजों का बेचना सरकार के हाथ में है। पिछले 2 वर्षों में खाने पीने की कितनी ही चीजों की कीमत में 25-25, 30-30% की कमी की गई है। मेरे वहां रहते अस्पताल की दाइयों की तनख्वाह में 15% की वृद्धि की गई। इस प्रकार वेतन वृद्धि और चीजों के मूल्य घटाने से एक ओर लोग जीवन की सुख सामग्री को अधिक पा रहे हैं, दूसरी ओर वहां 5-6 वर्षों से बेकारी एकदम उठ गई है। स्वस्थ रहने पर आदमी के लिए काम हाजिर है, बीमारी या किसी और कारण से काम करने के अयोग्य होने का सारा भार सरकार अपने ऊपर लेती है। इस प्रकार मनुष्य को कल की चिंता बिल्कुल नहीं है। इसमें शक नहीं है कि इंग्लैंड और अमेरिका के मजदूर रूस के मजदूरों से इस वक्त अधिक वेतन पाते हैं, लेकिन जहां उन देशों के मजदूरों के सर पर हमेशा बेकारी की नंगी तलवार लटकती रहती है, वहां सोवियत श्रमजीवी कल के लिए बिल्कुल निश्चिंत है। साथ ही उनका वेतन भी दिन पर दिन आगे ही बढ़ रहा है। जिस नए सोवियत विधान के अनुसार 12 दिसंबर को महासोवियत के 1143 सभासदों का चुनाव हुआ, उसके महत्व को कम करने के लिए पूंजीवादी देशों ने बड़ी कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। कोई कहता है चुनाव क्या है, धोखे की टट्टी है।
कोई कहता है स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को धमकाकर अपने लिए वोट लिया है। नया विधान कहां तक प्रजासत्तात्मक है और कहां तक लोगों को वोट देने की स्वतंत्रता उसमें है, ये निम्न बातों से मालूम हो जाएगा। पहला, 12 दिसंबर 1937 से पहले पुराने जमींदारों, पूंजीपतियों, पुरोहितों, कुल को यानी धनी किसान और क्रांति विरोधियों के संतानों को वोट देने या उम्मीदवार होने का अधिकार नहीं था। नए विधान ने 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था के सभी स्त्री पुरुषों को वोट का अधिकार दिया। धन, विद्या आदि की योग्यता का इसमें कोई ख्याल नहीं है। दूसरा, वोट का पर्चा और लिफाफा हर एक आदमी को गुप्त रूप से निशान करके डालने के लिए मिलता है। वोट देने का ढंग ऐसा रखा गया है कि वोटर ने किसको वोट दिया सिर्फ वही जान सकता है। तीसरा, जिसे 51% वोट नहीं मिले वो सभासद नहीं चुना जाता। चौथा, नामजद करने का अधिकार ट्रेड यूनियन आदि संस्थाओं अथवा किसी भी सार्वजनिक सभा को दिया गया है। चूंकि सोवियत का कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति नहीं रखता जिसकी सहायता से वो चुनाव का प्रचार कर सके या बड़ी बड़ी सभाएं संगठित कर सके, चुनाव के प्रचार का सारा खर्च व्यक्ति के ऊपर ना होकर संस्थाओं के ऊपर पड़ता है, इसलिए नामजद करना भी उन्हीं के हाथ में दिया गया है। सोवियत चुनाव के नियमों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे एक चुनाव क्षेत्र में दूसरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ना खड़ा किया जा सके, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सेवाओं से वहाँ इतनी सर्वप्रिय पार्टी है कि मुकाबले में पराजय का निश्चय समझ सामने आ ही कौन सकता है। केंद्रीय काउंसिल के कुछ पुनर्निर्वाचनों में भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने कोई उम्मीदवार जैसे खड़ा नहीं हुआ, वैसे ही वहां भी प्रतिद्वंदी को खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती है। सोवियत और स्टालिन के विरोध में हजारों झूठी बातों का प्रचार करना और साथ ही त्रुटस्की की सेवाओं और योग्यता के लिए आसमान तक पुल बांधना पूंजीवादी पत्रों का धर्म सा हो गया है। त्रुटस्की की प्रशंसा और साम्यवाद में उसकी निष्ठा को तो ऐसे शब्दों में चित्रित किया जाता है कि मालूम होता है मानो ये पूंजीवादी पत्रकार संसार में साम्यवाद लाने के लिए ललाई से हो रहे हैं। सोवियत साम्यवाद की सफलता का धरती पर एक ठोस साकार रूप है, इसलिए वे उसको लोगों की आंखों से ओझल रखना चाहते हैं। उसकी जगह पर उसके विरोधियों और उनके विरोधी मनोभावों को वे लोगों के सामने लाना चाहते हैं। सोवियत शासन और उसका प्रधान नेता स्टालिन कितना सर्वप्रिय है ये इसी से मालूम हो सकता है कि पिछले चुनाव में 12 दिसंबर की सी सर्दी और धरती के संस्थांश तक विस्तृत देश में कष्ट उठाकर 96% वोटरों ने अपना वोट दिया था। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने निर्वाचन हुए हैं, लेकिन कहीं भी 83% से अधिक लोग निर्वाचन स्थान पर नहीं पहुंचे। स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों में से तो एक भी उस दिन अनुपस्थित नहीं रहा। स्टालिन की बात को वहां सिरोधार्य मानते हैं। कार्ल मार्क्स साम्यवाद के तत्व का दृष्टा था। उसने सच्चाई को ऐतिहासिक प्रमाणों, आर्थिक कठिनाइयों और वैज्ञानिक युक्तियों से प्रमाणित कर संसार के श्रमजीवियों के सामने रखा। कितनों के दिमाग ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, लेकिन पूंजीवादियों के स्वार्थ और उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े साधन उस सिद्धांत की धरती पर आने के रास्ते में बाधक थे। लेनिन की विशेषता थी कि एक सफल साम्यवादी क्रांति को भूतल पर लाना, जिसमें कितनी ही बार उसे पूर्ण असफलता मिली थी। खैर, साम्यवादी क्रांति जार के साम्राज्य में हो गई। देशी और विदेशी पूंजीवादियों ने उसे हर तरह दबाने की कोशिश की और वो उसमें विफल हुए। लेकिन तो भी लेनिन के समय उपज के सभी साधनों में से बहुत कम व्यक्तियों के हाथ से निकलकर समाज के हाथ में आए थे। खेती ही नहीं, वाणिज्य व्यवसाय भी बहुत कुछ व्यक्तियों के हाथ में था, जबकि 1924 के आरंभ में लेनिन का देहांत हुआ। शहर से लेकर गांव तक की जनता को साम्यवादी समाज के रूप में परिणत करना स्टालिन का काम था। ये मार्क्स और लेनिन के काम से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस वक्त लेनिन की मृत्यु के बाद कल कारखानों को बढ़ाकर देश के औद्योगिकरण का कार्यक्रम स्टालिन ने सामने रखा,
तो एक तरफ बुखारिन आदि नरम दली कहते थे कि जल्दी हो रही है, इसमें सफलता नहीं होगी, देश को भारी नुकसान पहुंचेगा। दूसरी ओर तुर्तस्की जैसे गरम दली कहते थे कि बिना सारे संसार में क्रांति हुए साम्यवाद एक मुल्क में स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपनी सारी शक्ति रूस को ही साम्यवादी और उद्योगपूर्ण बनाने में ना लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रांति की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टालिन ने इन विरोधों के बावजूद अपने प्रोग्राम को लोगों के सामने रखा और उसे उसमें सफलता हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भी दाहिने बाएं पार्टी वाले इसी तरह विरोध करते रहे, लेकिन सोवियत जनता ने अपनी आंखों से इन योजनाओं द्वारा आशातीत आर्थिक सफलता देखी। स्टालिन के नेतृत्व में रूस के नष्ट प्राय उद्योग धंधे 1927 के महायुद्ध के पहले की अवस्था से आगे बढ़ गए और प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद तो सोवियत प्रजातंत्र यूरोप का सबसे बड़ा उद्योग धंधा परायण देश हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना द्वारा सोवियत प्रजातंत्र चाहता था कि अमेरिका को भी मात कर उद्योग धंधों में वो संसार में प्रथम स्थान ग्रहण कर ले। इन पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभिक वर्षों में लोग मजाक उड़ाया करते थे और अब सफलता के बाद हर देश उनका अनुसरण करना चाहता है। इन योजनाओं द्वारा सोवियत जनता ने अपने भूख और बेकारी के दिनों की जगह पर सुख समृद्धि के दिन देखे, अविद्या और निरक्षरता की जगह ज्ञान और कला का प्रचार सार्वजनिक होते देखा। अभी 10 वर्ष पहले उनकी कैसी हीन दशा थी यह बहुतेरे सोवियत नागरिकों को भली प्रकार मालूम है। स्टालिन की योजनाओं की यही सफलताएं हैं जिन्होंने उसे इतना लोकप्रिय बना दिया है। कुछ लोगों के लिए इस लोकप्रियता को समझना मुश्किल है। वो समझते हैं कि महज एक आदमी जो ना ईश्वर की तरफ से भेजा गया है और जिसमें ना वैसे दैवीय चमत्कार हैं, भला कैसे इतना जनप्रिय हो सकता है। जब तक कितने ही षड्यंत्रकारियों को सोवियत सरकार ने जो दंड दिए हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर पूंजीवादी पत्रों ने इस प्रकार संसार में फैलाया है कि कितने ही लोग समझते हैं कि सोवियत शासन की नींव बहुत कमजोर है, हिंसा और आतंकवाद के सहारे उनका शासन चल रहा है। बोरोशिलोव, मोलोतोव, बुदयन्मी बलूचर आदि जैसे क्रांति के महानायकों को अब भी वैसी ही लगन से काम करते देखते हुए भी जहां दो चार पुराने क्रांतिकारियों में से अपने अपराध के लिए दंडित हुए, पूंजीवादी पत्रों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि लेनिन के सभी क्रांतिकारी स्टालिन के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। सजा पाए लोगों की ओर दृष्टि डालने से मालूम होगा कि उनमें से सभी ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्हें अपने महत्वाकांक्षाओं में नाउम्मीद होने के कारण सफल पार्टी और उसके नेताओं के प्रति विद्वेष पैदा हो गया है। शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग चाहे वैसे कितना ही उदार और त्यागी हो, लेकिन उससे स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को धक्का लगते ही वो इतना नीचे उतर जाता है जितना नीचे अशिक्षित साधारण जन उतरने की हिम्मत नहीं रख सकते। सोवियत प्रजातंत्र में उद्योग धंधे बहुत ज्यादा केंद्रित हो गया है और उनमें यंत्रों का अत्यधिक प्रयोग हुआ, इसलिए एक व्यक्ति असंतुष्ट होने पर ज्यादा नुकसान कर सकता है। एक यंत्र विशेष को खराब कर वो 2 सप्ताह 10 कर्मचारियों को बेकार बैठा सकता है, रेल की सूचनाओं में गड़बड़ी कर ट्रेनों को लड़ा सकता है, गहरी खानों की पंपों को खराब कर उनमें पानी भरवा सकता है। जिन लोगों को हाल में सोवियत सरकार ने कड़ी कड़ी सजाएं दी हैं, उन्होंने यही अपराध किए थे। उनके पीछे जनता की कोई सहानुभूति नहीं, वस्तुतः वो जेलों में पकड़कर बंद ना किए गए होते तो लोग क्रोधांत हो उन्हें अमेरिका के गोरों की तरह लेविन से मार डालते। ऐसे लोगों को सोवियत शासन और स्टालिन के जुल्म का शहीद उद्घोषित करना विदेशी पूंजीवादियों के अपने मतलब की बात है और इस प्रकार सच का झूठ करना तभी तक होता रहेगा जब तक कि सोवियत शक्ति एक भारी युद्ध में अपनी सफलता को सिद्ध ना कर देती। और क्या जाने इसके बाद भी जब तक कि भूमंडल पर पूंजीवाद का अस्तित्व है ऐसे झूठे प्रचार भी कभी बंद होंगे। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।